अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। मैं जो है ना सुबह सुबह अभी शुरू कर दिया है काम अपना लॉन्ड्री। आज सोचा कि जल्दी से ना पहले ये काम करूं, क्योंकि कपड़े जो है ना धोने वाले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये ना कि आजकल जो है ना कुछ दिन हो गए हैं लाइट भी जा रही है, तो मैं ना इसलिए सुबह सुबह उठ के पानी जो है ना मैंने इस पर खोल दिया। वैसे मैं देख रही थी कि सुबह फजर के बाद ही मुझे लगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ दिन हो गए 9 बजे जो है ना वो लाइट भी चली जाती है। तो खैर, और काम करती रही हूँ तो फिर इसकी मुझे याद ही नहीं रही। अभी जल्दी से आई हूँ, पानी मैंने खोल दिया, इसमें सर्फ वगैरह डालूंगी जो कपड़े साथ साथ हैं ना उनको धो के आज साथ साथ ही डालती जाऊँगी। आज जो है ना मुझे धूप भी कुछ खास लग नहीं रही, लेकिन ये है कि कपड़े मजबूरी है धोना है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, मुश्किल हो जाएगी अपने लिए। आहिस्ता इसलिए बात कर रही हूँ कि बच्चे जो है ना वो सोए हुए हैं, तो मैं जो है ना इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही बात कर रही हूँ। और अभी मुझे जो है ना कपड़े करने इस्त्री, और ये जो है ये सूट मैंने स्लिंग की है। स्लिंग करने के बाद जो है ना आयरन करके इधर रख दी है, क्योंकि ये मैं सोच रही हूँ कि खुद ही स्टिच करूँ। 2 पीस है, दुपट्टा इसके साथ नहीं है। अभी बाहर पड़ा हुआ था, सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो इसके साथ देखूँगी स्टॉलर या चादर वगैरह जो है ना लेनी हुई तो वो मैं ले लूँगी। अभी जो है सिर्फ इसको रखा है काटना है, लेकिन उससे पहले जो है ना मैंने अहमद के कुछ कपड़े आयरन करने हैं, तो वो निकाल के ले आती हूँ। तो साथ मशीन भी लगाऊंगी, साथ जो है इनको आयरन भी कर लूँगी। अभी सिर्फ 2 ही सूट लेके आई हूँ, फ़िलहाल यही करती हूँ, ये हो जाएंगे, फिर देखूँगी अगर टाइम हुआ ना फिर बाकी भी निकाल के जो है ना आयरन कर लूँगी। जो है ना दोनों जोड़े मैंने आयरन कर दिए अहमद के, और इनको मैंने हैंग कर दिए, तो अभी इनको अलमारी में लगाऊंगी। और मशीन जो है ना वो बोल पड़ी है, तो उसमें से मुझे निकालने हैं कपड़े। तो फिलहाल जो है ना इनको हैंग करती हूँ, तो फिर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ।
वगैरह करके जो है ना मैं भी आई हूँ भाई, धूप में बैठी हूँ और बिजली जो है वो भी चली गई है। तो मशीन पहले जो है ना निकाल के मैंने बाहर ही रख ली है। अभी अम्मा जो है ना इधर से खाना खा के उठे, अम्मा जा रही है स्कूल। और ये कपड़े जो है ना मैंने कल काट के रखे थे ना, वो सिलाई करने हैं। अक सांस ले जा तो अल्लाह दे वाला दाफिस। अमना स्कूल चली गई है, ये देखें कपड़े जो है ना मैं ये काट के इधर रखे हैं। ये लेस मैं लेके आई हूँ इधर अपने करीब से, एक दुकान है ना उधर से ही मैं लेके आ गई हूँ। ये इसके साथ मैच है, सिर्फ लगाऊंगी दामन पे और बाकी या तो पाइपिंग लगा लूँगी या इसके साथ का जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना वो लगा लूँगी। और ये सिर्फ लगाऊँगी दामन पे। बटन जो है ना मैंने लेके आने थे वो भी मुझे मिले नहीं हैं, तो ट्राउज़र मैंने स्टिच करके रख दिया है। ये अभी सिर्फ ना बाजू निकाल के बाहर लाई हूँ, बाकी भी जो है ना क्योंकि गला वगैरह नहीं काट सकी क्योंकि लाइट जो है ना वो चली गई है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसको अभी रखूँगी, देख रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ। ये कुछ चादरें पड़ी हुई थी ये वाली मेरे पास, और इनको मैं इस्तेमाल नहीं करती थी, काफ़ी तेज़ कलर है ना इनका, तो कभी कभार ही है मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ लेकिन काम ही करती। तो इनके मैंने ना पर्दे बना दिए हैं स्टोर के ऊपर, जो शेड है ना उस पर लगाऊँगी। तो ये है कि थोड़ा सा तेज़ कलर है तो काफ़ी दिन तक चल जाया करेगा। अभी टाइम जो है ना तकरीबन हो गया 12:30, तो देख रही हूँ कि आज क्या पकाऊँ। बर्तन जो है ना मैंने सारे धो के इधर रखे हैं सूखने के लिए, और ये जो है दोबारा से चाय बनाई है। देखे सारे कपों में चाय पड़ी हुई है, तो ये अभी पी के बच्चों ने रखी है, मैंने भी, तो उसके बाद ये भी धो लूँगी। बर्तन जो है ना वो तो सारा दिन ख़त्म नहीं धोते रहो, ये देखिए इतने ज़्यादा धोए हैं, फिर थोड़ी देर तक उतना ही हो जाते क्योंकि बच्चे नाश्ता जो है ना बारी बारी करते रहते हैं, तो फिर जो है ना बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। इस बोतल में मैंने पानी भर के रख लेती हूँ, बाहर बैठूँ तो बाहर रख लेती हूँ, अंदर आऊँ तो अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें ये है कि मैं साथ साथ पानी पीती रहती हूँ। वैसे जो है ना पानी कम ही पिया जाता है, बहुत कम। बर्तन जो है ना ये तो कुछ सूख गए हैं, इनको मैं जो रखूँगी। ये जो है ना मैंने लिए हैं दो, क्या इसको बोलेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे जो है ना ये लिए हैं। उनका डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद आया है, मुझे वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने ना ले लिए कि आमना जो है ना कुछ ज्वेलरी वगैरह इसमें रख लेगी। एक अहमद ने ले लिया, उसने कुछ अपनी चीज़ें इसमें रख ली हैं, और एक ये है तो उसने भी ज्वेलरी वगैरह नहीं रखी। फ़िलहाल मैंने इसको किचन में रख दी है कि यूज़ करूँगी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये दो लिए हैं, तो बाकी बर्तन जो है ना इनको मैं समेट के रखती हूँ, और ये जो कप है ना इनको भी साथ ही वॉश कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर और पड़े रहे तो फिर बर्तन ज़्यादा ही होते जाने हैं। और ये जो है कपड़े इनको मैंने दोबारा से फैलाना है, इसलिए ना मैंने इनको इधर ही रखा हुआ है तय लगा के, क्योंकि इनको अभी सही तरह से धूप नहीं लगी। कल जो है ना मैंने लॉन्ड्री की है, अभी देख रही हूँ कि इसको खोल के ना धूप में रखूँ, ये ना हो के थोड़ी देर और जो है ना याद ना रही तो फिर धूप भी नहीं रहनी, क्योंकि इसके बाद जो है ना धूप का टाइम भी काफ़ी कम रह जाता है। तो फिर जो है ना इनको मैं फैला देती हूँ। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो प्लीज़ जल्दी से पहले लाइक भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब कर दें ना। कुछ मैंने फैला दिए हैं, कुछ उधर अम्मा के घर जो है ना तार पे वो फैला दिए हैं, और अल्लाह करे के सूख जाए। अम्मा जो है ना अभी वापस आ गया क्योंकि इसने बाल कटवाने थे और बिजली बंद है तो इसलिए वापस आ गया अभी थोड़ी देर। तो अभी देखूँगी क्या बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।